हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी बुटीक में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिलाई मशीन का कवर बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, वो भी पुराने सेट से। इस तरह से सिलाई मशीन का कवर बना के लगाने से में धूल नहीं पड़ता है, डस्ट नहीं लगता है और हमारा मशीन साफ रहता है। इस तरह से हम किसी भी पुराने सेट से सिलाई मशीन का कवर बना सकते हैं। ये इसका कॉलर खराब हो चुका है, तो आज हम इसका रीयूज करके एक सिलाई मशीन का कवर बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले हमें इस तरह से सीधा कर लेना है और यहाँ से हम 16 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ से भी 16 इंच पर निशान लगाएंगे। हमें सिलाई मशीन की कवर की बनाना है, इसका मेजरमेंट है 32x16 इंच। आप अपने सिलाई मशीन की मेजरमेंट जितना भी हो उसी हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं इसकी लंबाई 32 इंच और चौड़ाई 16 इंच ले रही हूँ। तो इस तरह से सबसे पहले हम बटन को निकाल लेंगे, बटन को काट के हटा देंगे और उसके बाद हमें इस तरह से इसके ऊपर से रख के सिलाई कर लेना है ताकि ये जॉइंट हो जाए। और उसके बाद फिर इस वाले पार्ट को भी इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा के इसे जोड़ लिया है। और इसके बीच में लगाने के लिए हम इस तरह से चावल गेहूं की बोरी लेंगे। आप चाहे तो फोम सीट का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें चावल की बोरी को भी कट कर लेना है सेम नाप का। और इसके लाइनिंग लगाने के लिए मैंने पुराना सलवार लिया है। आप चाहे तो कोई भी पुराना फैब्रिक ले सकते हैं, पुराना कपड़ा ले सकते हैं या फिर पुरानी बेडशीट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने कट की है और तीनों को इस तरह से सेट करते हुए, लाइनिंग और चावल की बोरी और मेन फैब्रिक को इस तरह सेट करते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा के क्विल्ट कर लेना है। और अब हम इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और ये मैंने लेगिंग्स की प्लास्टिक ली है, इस तरह से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। और हमें इसे 4 इंच चौड़े पे एक निशान लगाना है इस तरह से। इसकी चौड़ाई है 4 इंच और लंबाई है 16 इंच। और ये मैंने पाइपिंग ली है, लगभग 2 इंच की सीधी पट्टी है ये। इस तरह से हमें प्लास्टिक के ऊपर से पाइपिंग लगा लेना है, पाइपिंग के ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। और ये मैंने चैन ली है 16 इंच की, तो इस तरह से हमें इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। अगर हम प्लास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो प्लास्टिक फट भी सकती है, इसलिए इसे पाइपिंग से सेट करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम चेन पे रखते हुए इसकी सिलाई लगाएंगे जिप के ऊपर से। और अब हम इसमें रनर लगा लेंगे। और ये जो बचा हुआ हिस्सा है ऊपर के साइड से, इसे हम कट करेंगे। 5 इंच पे हमने निशान लगाई है, 5 इंच चौड़ी और 16 इंच की लंबाई है इसकी। इसे हम पॉकेट बनाएंगे। तो इस तरह से हम एक पीस कट कर लेंगे। इसकी लंबाई है 16 इंच और 5 इंच की चौड़ाई है। तो हम एक लाइनिंग की फैब्रिक लेंगे या एक रैश बैग लेंगे और इस तरह से मेन फैब्रिक को रखते हुए इसका क्विल्ट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो 2 इंच की पट्टी जो हमने कट की थी, सीधी पट्टी है, उसी की हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मैंने देखिए दोनों साइड से पाइपिंग लगा के तैयार कर ली है। अब इस तरह से हमें इसमें अटैच करना है। इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे और फिर इसे इस तरह से रखते हुए इसमें भी सिलाई लगाएंगे और इसमें 2-3 पॉकेट बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हमें मिलाते हुए फिनिशिंग से सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हमें मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। अब हम इस तरह से इसके ऊपर से रखते हुए दूसरे पॉकेट को भी अटैच करेंगे सेट करते हुए। मिलाते हुए इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। और अब हम इसे पॉकेट बनाएंगे। तो लगभग 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। इससे हमारा 3 पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। बीच में 2 सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर भी एक और सिलाई लगा लेंगे और लास्ट में सिलाई को लॉक कर लेंगे। ये देखिए, हमारा 3 पॉकेट बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें हैंडल लगाएंगे। इस तरह से फैब्रिक के बीच में प्लास्टिक की बोरी रखते हुए हम हैंडल बनाएंगे। इसकी लंबाई लगभग 7 इंच है और चौड़ाई 1.5 इंच है। तो इस तरह से हम सेंटर निकाल लेंगे।
ये 16 इंच का है, तो 8 इंच पे, लगभग 8 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसके दोनों साइड दो दो इंच पे निशान लगाते हुए हम हैंडल को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हमें हैंडल को अटैच करना है, सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। हैंडल लगाने से पकड़ने में बहुत ही आसान होता है। अब हम इस स्लीव्स को कट करके इसे दो पीस निकालेंगे साइड में अटैच करने के लिए। इस तरह से हमें कट करके पीस निकाल लेना है। इसकी लंबाई 12 इंच और चौड़ाई 8 इंच की है। तो इस तरह से हम लाइनिंग लेंगे, प्लास्टिक की बोरी लेंगे, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखेंगे और फिर दूसरा पीस लेंगे। इसी तरह से रखते हुए हम इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे और क्यूल्ट कर लेंगे। ये हमारी सिलाई हो गई है और अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और 8 इंच के साइड से हमें इस तरह से दोनों में पाइपिंग लगा लेना है। दोनों पीस में जिधर से 8 इंच है उधर से हमें पाइपिंग लगाना है और अब हम इसमें भी पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग की चौड़ाई 2 इंच की है, ये सीधी पट्टी है, तो इस तरह से हमें दोनों साइड पाइपिंग लगा लेना है। ये हमने पाइपिंग लगा के तैयार कर ली है और देखिए इसमें भी हमने पाइपिंग लगा ली है और अब हम इसे अटैच करेंगे इस तरह से। तो हमें इस तरह से इसे रखते हुए, सेट करते हुए, जैसे घुमाते हुए इसे सिलाई लगाना है। दोनों साइड इसी तरह से मिलाते हुए हमें पिन लगा के सेट कर लेना है, उसके बाद सिलाई लगा लेना है। सबसे पहले हम पिन लगा लेंगे। इस तरह से हम सेट करते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे पूरा वॉच कीजिए। और अब हम इसके किनारे पे इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें मिलाते हुए फिनिशिंग से सिलाई लगा लेना है ताकि ये मजबूत हो जाए। सिलाई मशीन का कवर सिलाई मशीन में लगाने से क्या होता है फ्रेंड्स कि मशीन में धूल नहीं पड़ता है, गंदा नहीं होता है और हमारा मशीन कभी जाम नहीं होता है और अच्छे से काम करता है। इसलिए सिलाई मशीन के मशीन में हमेशा कवर लगा के ही रखना चाहिए। और इसमें पॉकेट्स भी है, इसमें आप सिलाई से रिलेटेड सारे सामान रख सकते हैं। और ये एक पॉकेट है धागा रखने के लिए, जिसमें आप सारे धागे को भी अरेंज करके रख सकते हैं। इस तरह से मिलाते हुए हमें दोनों साइड से अटैच कर लेना है और साइड में अच्छी तरह से धागे को लॉक कर लेना है। ये देखिए हमारा सिलाई लग के तैयार हो गया है और अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा सिलाई मशीन का कवर बन के तैयार हो गया है, बेकार पड़ी चीज़ों से, वो भी पुराने शर्ट से और चावल की बोरी से। और इसमें 4 पॉकेट भी बना है और इसमें धागा रखने के लिए आप अच्छी तरह से इसमें सारे सामान को भी रख सकते हैं और मशीन में धूल दस्त भी नहीं पड़ेगा, हमारा मशीन भी साफ रहेगा और इसमें हैंडल भी है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।